मेरे पीछे जो आपको जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें तीनों बंदे पाकिस्तानी है, एक रिपोर्टर है और दो आवाम है। और ये जो उमर दराज पाकिस्तानी है, ये असली पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान की मेंटेलिटी है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो मुद्दा ये है कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5G लॉन्च कर दिया, या ऐसा मान लीजिए आप एयरटेल ने लॉन्च कर दिया। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है। yes. क्योंकि इससे पहले भी हम काफी सिटीज के अंदर 5G लॉन्च कर चुके हैं और जो उन सिटी के अंदर है वो 5G का आनंद भी ले रहे हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन जिन पाकिस्तानियों के लिए जम्मू एंड श्रीनगर में इंटरनेट ही बंद है तो वहाँ 5G कैसे लग सकता है भाई? ये तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मानेंगे क्यों भाई, ये पाकिस्तानी है, मान ही नहीं सकते। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं पाकिस्तान और इन पाकिस्तानी बुड्ढों के आनंद लेते हैं। का नाम मुस्तफा कमाल। आपका नाम? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद, क्या करते हैं सर? जी मैं एक ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है उसमें डायरेक्टर हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ जी। स्क्रिप्ट राइटर है, जबरदस्त। ये तो अपनी फील्ड के लोग मिले हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वालों ने 5G लॉन्च किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज है या एक नॉर्मल न्यूज है 5G सर्विस, इंटरनेट सर्विस? सुन के कोई इतना ज्यादा यकीन नहीं आया मुझे। उसकी वजह यह है कि वहाँ जिस तरह से इंडिया ने बर्बरियत बरपा की हुई है और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की हुई है, और आर्टिकल 35 आप जानते हैं कि उसको उसकी खिलाफ पूरी जी, और 375 भी आर्टिकल उसकी खिलाफ वर्जी 375 नहीं चाचा, 370 है। पूरी दुनिया में इस तरह के जो खिलाफ वर्जी है किसी जगह पे नहीं हो रही जो कश्मीर में हो रही है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऑलरेडी जो इंटरनेट की फैसिलिटी थी वो खत्म कर दी। चाचा कहाँ इंटरनेट बंद है, मैं खुद कश्मीर जाके आया हूँ। ये देखिए मेरे कश्मीर के वीडियो देखिए आप, और मेरा फोन देखिए आप। श्रीनगर में पहली बार भरवा रहा हूँ, देखते हैं क्या रेट है यहाँ पे। जयपुर बस 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 पेट्रोल भरवा लिया आपके भाई ने, 105 रुपये लीटर है यहाँ पे पेट्रोल श्रीनगर में, 104.80, तो 105 ही मान लो 20 पैसे कम है। तो आपके भाई ने पेट्रोल भरवा लिया है, अब आपका भाई सीधा ले के लिए तैयार है। अब कंगन कोई जगह आएगी वहाँ रुकना है। इसी पॉइंट पे आने लगा हूँ कि हमें तो यहाँ पर यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, तो वहाँ पे तो 5G लॉन्च हो गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बताया जाता है या जो दिखाया जाता है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं अंदाजा कि आपका सोर्स क्या है, लेकिन मेरी नज़र से खबर नहीं गुजरी। बहरहाल मैं अपनी बात जरा मुकम्मल कर लूँ। वहाँ पे सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो नहीं रोकी गई, बल्कि अखबार रोक दिए गए, वहाँ पे टीवी की नशियात रोक दी गई, लेकिन एक नशियात वहाँ पे वैसे जारी है और वो है रेडियो पाकिस्तान, रेडियो की नशियात जो है उनके जरिए उनको मालूमात मिलती है। चाचा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, रेडियो पाकिस्तान कभी का बंद कर दिया। शाम के 5 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। चलता था किसी जमाने में, लेकिन अब वो टाइम टाइम फीस कर दिया, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के जरिए जम्मू एंड कश्मीर में आप जितना प्रोपेगेंडा चलाते थे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। तो चाचा ये गलतफहमी भी दूर कर लो अपनी कि रेडियो पाकिस्तान चलता है। लेकिन ये जो खबर आई है, और ये खबर खुद पाकिस्तान रेडियो ने शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि कैसे हमको बैन कर दिया है, ये कि ऑलरेडी वो तो जितना हो सकता है वहाँ पे जुल्म, और देखे ना कि फलों से भरे हुए दरख्त काट रहे हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हमने देखा, और किस तरह से जुल्म कर रहे हैं नहाते मुसलमानों के ऊपर। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ अगर कोई ऐसा है उनका है कि 5G आप जैसे बता रहे हैं कोई ऐसी, तो वो अपनी फैसिलिटी, अपनी जो उनकी, मैं कहूँगा लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी जो बर्बरियत है उसमें ही कोई नई चाल होगी, अदरवाइज उनसे कोई फैसिलिटेट करने का या कोई इंफॉर्मेशन के लिए कोई वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये चाचा का एक सेंटेंस को म्यूट कर दिया गया है, बर्बरियत है उसमें ही कोई, तो आप समझ सकते हो कि चाचा ने कितना गंदा लफ्ज हम इंडियंस के लिए यूज किया होगा।
खैर आगे चलते हैं। अगर हम चलें, ये आपकी बात है, आपकी अपनी ओपिनियन है, आपने पहुंचाई, लेकिन थोड़ा सा काउंटर करना या करेक्शन करना मेरा भी राइट है। सबसे पहले आपने बोला सोर्स क्या है मेरी इस न्यूज की, तो सोर्स कौन सी है, मैंने ये नहीं बोला। वैसे तो हमें कंफर्म है, कंफर्म सोर्स है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने कर वो 100% कर दिया। मेरा मकसद यह है कि अगर उन्होंने 5G लॉन्च कर दिया तो क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। सेकेंडली, जो हमारे पास कश्मीर है वहां पर हमने क्या किया, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं कश्मीर वालों से, करते हैं। देखिए जी, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा साफ मौकफ है कि प्रैक्टिकली क्या किया, मौकफ की बात नहीं। देखें, प्रैक्टिकल में भी हर पाकिस्तानी जो है वो, हम तो समझते हैं ना कि हम कहते भी हैं और इसको वी मीन इट कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कश्मीरी है, और कश्मीरी भाई जो है उनके लिए उसी तरह हम जज्बात रखते हैं। भैया, तुम्हारे जज्बातों की बत्ती बनाओ और बस, कोई वैल्यू नहीं रखते आपके जज्बात। और फिर ये देखें कि सर, आप मेरी बात का उस तरीके से जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया, जो हमें ये बताया जाता है या हम ये कहते हैं कि वहाँ इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने 5G भी दिया, उन्होंने कॉलेजेस भी दिए, यूनिवर्सिटीज भी दी। देखें, ये अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं, एक जुमला मेरा इसमें ले रहे हैं, हकीकत बयान करनी चाहिए, जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें हर किसी ने कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हुकूमती लेवल पे कमी रही, क्योंकि उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये मामलात हुए थे। अब देखें, मीडिया का भी अपना रोल होना चाहिए। मीडिया यही तो काम कर रहा है, मीडिया लोगों को बता रहा है कि जो हमें 70 साल से बताया जाता रहा वो शायद ठीक नहीं है। और जब ये मामलात हुए थे उस वक्त मीडिया ने उस तरह रोल नहीं प्ले किया जिस तरह करना चाहिए था। चाचा ने तो एकदम से वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए, माहौल बदल दिया। चाचा, कौन सी गुट्टी पी ली अचानक से? मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। सर, क्या वजह समझते हैं आज भी हमारे माइंड में यही मौजूद है कि वहाँ पर बहुत जुल्म, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं, जबकि अब तो दुनिया वहाँ पर जा रही है। वहाँ पे G20 का आपको आइडिया होगा, उसकी मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वाले करवाने जा रहे हैं। हम आज भी यही कहेंगे कि वहाँ पर बहुत जुल्म है, और लेट्स सपोज जुल्म है तो अपने वाले कश्मीर में हम कौन सा मोहब्बत के वो फूल डेली बांटते हैं, क्या करते हैं? वो ये जुल्म जो आप बता रहे हैं वो वाकई सही है, और वो शिद्दत पसंदी की वजह से जो मतलब उनके हुक्मरान जो अब आए हैं वो इस वजह से ही आए हैं कि उन्होंने क्रश करना है मुसलमानों को। अरे रे 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 चाचा, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन से युगों में जी रहे हो आप? अभी तक हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है ये बताओ। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए, यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है? जिस हिंदुस्तान में है, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? वो अपनी रोटियां सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं यहाँ पे, वो मरो जियो कुछ भी करो। और ज्यादातर उनकी कोशिश ये है कि हिंदुओं को वहाँ ज्यादा बात की जाए, उनकी प्रॉपर्टी, ताकि जो उनकी नुमाइंदगी ज्यादा है ना तो वो कम हो, ये सूरत हाल है। चले, आपकी ओपिनियन थी, ज्यादा बहस करना भी बेहतर नहीं है। और पत्रकार बार बार बोल रहा, लेकिन ये कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि ये है पक्के जाहिल और अपनी जहालत पे अड़े रहेंगे। लेकिन आपको अड़े नहीं रहना, आपको कमेंट ठोक के जाना भाई साहब, दो दो कमेंट एक एक आदमी ठोक। और 15,000 लाइक के लिए बोलता हूँ हमेशा, लेकिन पहुंचाते नहीं हो, कोई 11 पे रुक जाता है, कोई 10 पे रुक जाता है, कोई 9 पे रुक जाता है, लेकिन इस वीडियो को तो 15 के पार पहुंचा ही दो आप। ओके भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।